नेक्स्ट टॉपिक मैंने कहा आप लीजिए स्टार्ट करें, वो कौन सा आपका आएगा, वो आपका कहलाएगा वेक्टर अलजेब्रा के नाम से। और वेक्टर अलजेब्रा पे जाओगे तो आप कुछ एक छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं एक मिनट में, बिल्कुल आ जाए। और इन छोटी छोटी बातों के बाद में बहुत ध्यान रखें, इसकी शीट आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट भेज देंगे आप, तो एक तो उससे आप पढ़ लीजिएगा और बाकी अगले राउंड में इसका प्रिंट आउट निकाल के सभी को पकड़ा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपसे बात कर रहा था, नेक्स्ट टॉपिक आप जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका रहेगा, मैंने कहा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और पर्टिकुलरली मैंने कहा किस टॉपिक पे आप बात करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक पे बात करेंगे। दो सवाल यहाँ बनते हैं, नंबर वन वेक्टर्स क्या होते हैं और अलजेब्रा क्या होता है। वेक्टर्स तो मैं आपको बता दूंगा, अलजेब्रा आप बता दें, अलजेब्रा क्या होता है भाई? अलजेब्रा एबीसीडी होता है, एबीसीडी का सवाल होता है एक्स वाई जेड। हाँ एक्चुअल अलजेब्रा मतलब क्या, वेरिएबल्स का वेरिएबल, हाँ वेरिएबल वेरिएबल्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन होते हैं, बढ़िया। तो ये अलजेब्रा है क्या? ये अलजेब्रा नहीं है यार, हमें लग रहा है ये भी अलजेब्रा नहीं है, है तो सब वेरिएबल ही, इसलिए पूछ रहा हूँ। अलजेब्रा बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हो मुझे लग रहा है, छठवीं सातवीं के आसपास से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम की चीज़ पढ़ते हो गए, कभी ये भी तो देखते हैं अलजेब्रिक क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्योंकि ये हमेशा रिमाइंड कराऊंगा जो आप पढ़ते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगता है हमने पढ़ ली है, हकीकत ही होती है अपने पढ़ी नहीं होती, एज इट इज़ उनको कहीं रट रटा के ख़त्म कर दिया होता है। अलजेब्रा भैया मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप देखेंगे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन इनटू डिवाइड और लाइक वाइज ऑपरेशन पढ़ाए जाते हैं, याद कर लें अलजेब्रा में यही पढ़ा होगा। अलजेब्रा का एक्स प्लस वाई से कोई लेना देना नहीं होता, ए बी सी डी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ए बी सी डी और एक्स वाई जेड पूरी मैथमेटिक्स में हर टॉपिक में होते हैं, चाहे आपने कहा आप क्वाड्रेट ज्योमेट्री पे भी जाएंगे तो उसमें भी एक्स वाई जेड ही होते हैं, सही है, उसमें अपन एल एम एन ओ पी थोड़ी पढ़ेंगे। तो मैंने कहा अलजेब्रा कौन सी ब्रांच होगी जिसमें आप पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स देन स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग क्या है? स्क्वायरिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर स्क्वायरिंग को आप देखें, व्हाट इज स्क्वायरिंग? स्क्वायरिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन विच द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स, खत्म। 5 इंटू 6 है तो मल्टीप्लीकेशन है और 5 इंटू 5 है तो स्क्वायर हो गया। जो भी आप आगे पढ़ते हैं स्क्वायर और फिर उनसे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब आपका ध्यान जाएगा, नहीं बेसिक फंडामेंटल से बात करते हैं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम यहाँ पर यही पढ़ते हुए जाएंगे अलजेब्रा में, एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये सब पढ़ेंगे, बस अंतर इतना है अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो आप पढ़ रहे थे स्केलर क्वांटिटीज़ के और हम पढ़ते हुए जाएंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ के। तो पहला बेसिक सवाल जो मैंने कहा था जिसका जवाब मैं दूंगा, वैसे तुम इसका भी मैंने ही दिया है, तुम कौन सा दे पाए, तो वो सवाल ये था कि आखिरकार स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में जाओगे तो ये नाइन्थ के आसपास से मैंने कहा आप पढ़ते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स क्या कहलाते हैं। स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, और मेरा मानना है अब आप तीसरे चौथे चैप्टर पे मैग्नीट्यूड वर्ड का मीनिंग मालूम होगा। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, आप सही कह रहे हैं। स्केलर्स बोलते हैं जिनमें केवल और केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, इनमें आपकी कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। जबकि आप वैक्टर क्वान्टिटीज ऐसी चीज़ों को कहते हुए जाते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, और ध्यान रखना डायरेक्शन में भी मैं कहाँ जाऊँगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन मौजूद होगी। और इसने कहा इनको रटिएगा मत, इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा बेहतर रहेंगे, फिजिक्स है बहुत लंबे अरसे तक आपके साथ जाएगी। जब आप बात कर रहे होते हैं स्केलर्स, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और डायरेक्शन नहीं चाहिए। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ, मास। मास स्केलर है या फिर वेक्टर? स्केलर है। कैसे मालूम स्केलर है? कैसे मालूम डायरेक्शन नहीं है? सर मास तो सब वही रहना, 2 kg और 3 kg। सही कह रहे हैं, क्योंकि जब आप टमाटर खरीदते हैं ठेले से 250 ग्राम, हाँ महंगे हैं तो आदमी इतनी खरीदता है,
कभी आपने ध्यान दिया आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं 250 ग्राम टमाटर दो नॉर्थ वर्ड, बोले भाई साहब आज साउथ वर्ड वाले हैं नॉर्थ वाले खत्म हो गए, इज देयर एनी पॉसिबल डायरेक्शन? नहीं। अगर आपसे कोई पूछ देता है मान चले आपकी हाइट, क्या आप बता सकते हैं आपकी हाइट कितनी होगी लगभग? किसी को अपनी हाइट मालूम है? 163 सेंटीमीटर 163 सेंटीमीटर मतलब फीट में लगभग कितनी हो जाएगी? 5-5.5 फीट। सही है, लगभग लगभग सही है। और 163 सेंटीमीटर तो मुझे बताएं अपवर्ड डाउनवर्ड क्या? डायरेक्शन नहीं है, सही कह रहे हैं, बताइए मत दीजिएगा अपवर्ड, नहीं तो आदमी हम जैसा विद्वान होगा तो आंखें फाड़ लेगा, हैं तो जमीन के नीचे कहाँ तक फैले हो? सही है ना, अगर अपवर्ड है तो मतलब डाउनवर्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, तभी तो बताया है, बोले इतनी अपवर्ड है, मैंने कहा डाउनवर्ड कितनी है भैया, कहाँ तक जड़ें फैलाए हो? नहीं पूछूंगा तो ये क्वेश्चन सेंसलेस क्यों हो जाएगा? बिकॉज इट इज नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेंथ मास टाइम ये सब आपको ऐसे एग्जाम्पल नजर आएंगे, और मैं कोई खतरनाक एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैंने कहीं नहीं कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो जब पढ़ दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये डायरेक्शन के बिना होता है। तुम तो टाइम पे बात करो जो तुम्हें मालूम है, कई बार लोग आप पूछने बैठ सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, बोले वो नहीं पता, तो मैंने रहन दे, जब यही नहीं पता वो क्या होता है काहे के लगे होगे भैया स्केलर वेक्टर, जब देखेंगे जब पढ़ेंगे तब तो ढूंढ लेंगे। टाइम बताओ, टाइम स्केलर होता है कि वेक्टर? स्केलर कैसे मालूम? डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, क्या टाइम हो रहा है? आदि बताया था भैया 6 बजे, अब कौन से 6 बजे हैं, ऊपर वाले नीचे वाले दाएं वाले बाएं वाले, कौन से 6 बजे? कोई से 6 नहीं बजे, 6-6 ही होते हैं, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन, दैट साइड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स का एक आधा एग्जाम्पल बताओ, वेक्टर्स का सबसे सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, प्रैक्टिकल फोर्स, क्या आपने ध्यान दिया फोर्स के पीछे डायरेक्शन होगा? फोर्स के पीछे डायरेक्शन कहाँ होगा? हर जगह देखने को मिल जाएगा, पुश और पुल, सही कह रहे हैं, पुश अलग होता है पुल अलग होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन अलग होता है रिपल्शन अलग होता है। किसी बैंक में घुसोगे तो ध्यान दिया है गेट पे बड़ा बड़ा लाल अक्षरों में लिखा होता है पुल, और फिर लोग आग धकेल रहे होते हैं खुल नहीं रहा, फिर गार्ड आता है बोले बेवकूफ बाहर खुद गेट उखाड़ेगा क्या, तो क्यों बेचारे को आना पड़ता है? क्योंकि अपने ध्यान ही नहीं दे रहे होते उस पर लिखा है, और ये पुल या पुश क्या लिखा है, दैट इज फॉर द डायरेक्शन, फॉर क्लैरिफाइंग द डायरेक्शन। आप किसी भी चीज को रख रहे होते हैं तो उसको प्रेस करना है या उठाना है, दाएं रखना है बाएं रखना है, ये सब है ना। पिछली बार जब हम पढ़ा रहे थे तो मैंने एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछा था, और मैंने पूछा था आप में किसी ने कभी कैरम खेला है? यस सर। कैरम के खेल में क्या होता है, इन द प्ले ऑफ गेम ऑफ कैरम यू हैव टू अप्लाई द फोर्स इजंट इट, तो केवल फोर्स इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है? तो क्या आपने ध्यान दिया होगा कैरम का खिलाड़ी स्थिर बैठ के नहीं खेल सकता, कैरम का खिलाड़ी बराबर हिलता ही रहेगा, और टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता रहता है? तो बस सीधी सी बात है, समझ में आ रहा हूँ यहाँ, फोर्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज इट्स डायरेक्शन, इसका मतलब फोर्स। और याद दिला देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट था स्ट्रेट लाइन, और आपने स्ट्रेट लाइन जरा सी टेढ़ी खींच दी तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आप पहुँचेंगे यहाँ, नहीं पहुँचेंगे। तो अगर यहाँ पहुँचना है तो बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स है भैया, स्केल यहीं रखी जाएगी, तिरछी कर दोगे तो कहीं और निकल आएगी, इसका मतलब आपको दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। अब जो हम बात कर रहे थे मैं उसी का कंटिन्यू करता हूँ, सबसे पहली बात तो हमारा जो यहाँ से चर्चा होगी वो वैक्टर क्वान्टिटीज के ऊपर होगी, दैट मीन्स द क्वान्टिटीज हैविंग अ पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड डायरेक्शन नंबर वन। मोर ओवर मैंने कहा हम बात करेंगे इनके एलजेब्रा पर बात कर रहे होंगे, और एलजेब्रा पर बात क्यों करनी पड़ती है इसका भी कारण है, ये भी मैंने जो लास्ट टाइम एग्जांपल जब पिछली बार पढ़ा रहा था जो एग्जांपल लिया था मुझे एग्जांपल याद है, मैं एज इट इज उसी को रिपीट करता हूं दोबारा। उस समय मैंने आपसे कहा था कि हम में से सबको मालूम होता है 3+4 बराबर कितना आता है 7, बढ़िया इसका लगता है कुछ तो आता है कम से कम, है ना। अब अगला सवाल आता है ऐसी अगर आप वेक्टर 3+ वेक्टर 4 करेंगे तो ये आपका आता है वेक्टर
7 और अगर ध्यान से ऐड करेंगे तो फिर वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4 इज इक्वल्स टू आता है वेक्टर 5 और अगर थोड़ा ध्यान से और संभाल के ऐड करेंगे तो वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4 आता है वेक्टर 1 और ऐसे और भी बहुत सारे रिजल्ट हमारे पीछे पड़े होते हैं। तो फिर कई लोग पूछते थे हैं ऐसा कैसे होता है, तो उनको मेरा संक्षिप्त और सीधा जवाब होता था बेटा अगर मैं 3 + 4 = 7 पढ़ाता तो तुम मुझे 12,000 फीस नहीं दे रहे होते। सही कह रहा हूँ ना, 3 + 4 = 7 पढ़ाने के तो कोई नहीं देगा, जो देगा वो इसी बात की देगा तो यही पढ़ाऊंगा। समझ आ गया ना, यही है वेक्टर्स का एलजेब्रा। इसीलिए मुझे एडिशन जो तुम्हें आता है उससे काम नहीं चलेगा, इसीलिए मुझे एडिशन सिखाना पड़ेगा। नहीं कई सोच रहे होंगे एडिशन क्यों सिखाएंगे, एडिशन तो हम चौथी क्लास से पढ़ रहे हैं, तीसरी से रहेगा, इसलिए हम नया एडिशन सिखाएंगे जिन्हें इसमें शक हो कि ये रिजल्ट सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं गलत सलत पढ़ा देंगे, है ना, बेचारा नया बैठा है मुझे कहते नहीं गलत सलत पढ़ा देंगे, ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे कहाँ फंस गया मैं बोले। तो मैं याद दिला देता हूँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, बहुत ध्यान देखें। कोई आदमी अपने घर से स्टार्ट होता है 4 किलोमीटर गया और कितना गया मान चले जाता है 3 किलोमीटर, मुझे बताओ कितनी दूर है, कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, कितने डिस्टेंस पर पहुंचा है, 7। बढ़िया, ये आपको मालूम है। अगली बार इस आदमी को फिर से भेजते हैं, ये गया 4 किलोमीटर, फिर इसका मन हुआ इस चौराहे से बोले मैं टर्न लूंगा, फिर गया 3 किलोमीटर, कोई मुझे बताएगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसका डिस्प्लेसमेंट तुमने 7th या 8th क्लास में निकाल लिया होगा, सही बोल रहा हूँ ना, पाइथागोरस थ्योरम 8th क्लास के आसपास ही आती है, और जब निकाला होगा तो बहुत अच्छे से याद होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब 3 और 4 का टोटल 5 भी हो सकता है। और एक लास्ट दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ केवल अभी, ताकि आप सब्जेक्ट में घुसने से पहले सब्जेक्ट से वाकिफ हो जाएं, ना कि मैंने कहा जो आप रटते हुए आए हो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैंने कहा व्हाट इज मीन बाय एक्सप्रेशंस, बोले सर एक्सप्रेशंस, मैंने क्यों, बोले सर स्क्वायर रूट आ जाता था तो हम ऐसी शक्ल बना लेते थे, इसलिए बोले एक्सप्रेशंस वो मतलब नहीं होता। चले 4 किलोमीटर गया, मन बदल गया, बोले वापस आ जाता हूँ, 3 किलोमीटर वापस आ गया, कहाँ पहुंचा, 1 किलोमीटर पक्का यही पहुंचा है ना, कितना हुआ, तो मतलब मेरे सारे रिजल्ट सही है, जरूरत पड़ने पे ऐसे 15 रिजल्ट और खड़े कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न वही रहेगा कि आखिरकार फिर ऐसे एडिशन कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, तो मुझे बस इतना सा बता दो इन तीनों रिजल्ट्स के अलग अलग आने का कारण क्या है। क्या मेरी बात समझ आती है, तीनों रिजल्ट्स के अलग अलग आने का एक और नेक कारण है उनके डायरेक्शंस। इसका मतलब हम जहां पर थे वहीं वापस पहुंच जाते हैं। वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज इन विच देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। इसलिए हमेशा याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटीज में आपके डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस रहेगी और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट निकालिएगा, ये याद रखेंगे। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन आपसे डिस्कस करते हैं मामूली सी, ये आपकी शीट की हेल्प से मैं कर देता हूँ, फिर इसके बाद जो है बाकी पर कुछ मैथमेटिकल टॉपिक है उनको हम बोर्ड उस पर लेंगे। एक काम करें चैप्टर का उद्घाटन कर दें, सिंबल हेडिंग डाल दीजिएगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अच्छा ये मैं उस पर इसलिए अगर सही सिंबल एक हेडिंग डाल देंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। बाकी आप वो शीट देंगे, ग्रामेटिकल जो वे होता है पेपर में लिखने वाला सेंटेंस वो आप उससे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल शॉर्टकट में कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जो हम इन शॉर्ट इन सेंटेंसेस वो कर लेंगे, वो आप लिखते हुए जाएंगे। क्या है मेरी बात समझ में आती है, पहली डेफिनेशन देखें आपसे कौन सी दी जाती है। पहली डेफिनेशन आपसे दी जाती है स्केलर्स, स्केलर कौन से कहे जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। क्या है मेरी बात समझ में आती है, देख डाल दो नंबर वन स्केलर्स, डालते हैं नंबर वन स्केलर्स। स्केलर्स में आप लिखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग
मैग्नीट्यूड इन ओनली एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, खत्म। फिर मैं अगली चीज बता दूं, ये है आपके शॉर्ट नोट्स, बाकी ये जो चीज है आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, ये तुम शीट से पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में लिखने काम में आती है। अब अगली चीज कुछ एग्जाम्पल बता दें, एग्जाम्पल आपके क्या होंगे, एग्जाम्पल बता दें मास, तीन एग्जाम्पल तो भी आपसे मैंने डिस्कस किए थे, मास, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम। लिखने मजे से एग्जाम्पल 6-7 लिखो, मास, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, और कौन से दिख रहे हैं, और दिख जाएंगे डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और लिखेंगे वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत है थे, और कितने चाहिए तुम्हें, अब पूरी फिजिक्स की थोड़ी लिस्ट बना के बैठ जाओगे यार 8 पेज की है, सही कहा ना मैंने, इतने पर्याप्त हो तुम्हारे लिए, तो मुझे लग रहा है यही तक ठीक है, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा पर्याप्त है इतने। अब ऐसे आप सेकंड नंबर कौन से आएंगे, वेक्टर्स, वेक्टर्स में आपसे करता है वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होंगी, वेक्टर्स वो होंगे जिनमें आप देखेंगे आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होगा, क्या ये बात समझ में आती है। अगली एक हेडिंग डालिएगा वेक्टर्स, और वेक्टर्स में आप बता देंगे फिजिकल क्वांटिटी हैविंग, लिख दो इतना तो मैं बोलता जा रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबेइंग, ओबे करना मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, पालन करना है ना, एंड ओबेइंग द लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर कौन होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें क्या होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबेइंग द लॉज ऑफ वेक्टर एलजेब्रा, क्या ये समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना। अब इनके एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इनके एग्जाम्पल भी हमने लिए हुए थे, कौन से एग्जाम्पल हैं आपके, ये एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके भी 2-4 एग्जाम्पल लिख दें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, ठीक है पर्याप्त है, बाकी शीट मिलेगी उसमें तो पढ़ लेना है एक-आध दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या मिल जाता है, हाँ है ना। अब अगली चीज बताता हूँ, पैराग्राफ चेंज करके आप बता दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, पैराग्राफ चेंज करो और बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो, एक महान बात बताओ ये कोई रटने वाली चीज नहीं, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो, ये काम तुम छठवीं क्लास से कर रहे हो, जरा देखना ध्यान से, एक मिनट में जरा इधर आ जाओ, अभी एक आदमी अपने घर से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर जा, अगर कोई आदमी 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जा रहा है तो आपने ध्यान नहीं दिया, आप काहे से बना रहे थे स्ट्रेट लाइन विद एन एरो, और तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा लाइन बता रही होती है मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस और एरो बता रहा होता है डायरेक्शन, जैसे इसको देखा जाए इस फिगर को तो क्या बताओगे, ये बताओगे ना 4 किलोमीटर चला मान चलो राइट हैंड साइड, फिर बोले इसके बाद टर्न हो गया इधर लेफ्ट या राइट जो भी, हाँ तो पढ़ रहा हो बाद में देखेंगे, तो टर्न हुआ किधर टर्न हुआ ये इसी से तो दिख रहा होगा, इसलिए कहा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप काहे से दिखा देते हैं, आपने ध्यान दिया है, अभी आप जो है पिछले टर्न्स में हम कहते हैं काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे, आपने ध्यान दिया था आप बॉडी इज मूविंग विद फॉलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो फॉलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ये क्या है भैया, तो ध्यान नहीं दिया, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइन हैविंग एन, और इसी में लिखा होता बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, तो क्या करते अपने आप ही क्लियर है डायरेक्शन, इसलिए बहुत सारी चीजें रटा मत करो, कभी उनको देख भी लिया करो कि हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप कुछ एक टाइप ऑफ वेक्टर्स बता देंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन कभी कभार आपके स्कूलों में एक एक नंबर में पूछ ली आती है, इसलिए मैंने कहा था इन छोटी छोटी डेफिनेशन बताता हूँ। नंबर एक सिंबल ये लिख दो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर वन जाएगा पोजिशन वैक्टर, चाहिए पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे, ध्यान देखना, जो किसी भी पॉइंट की आपकी या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा होगा, तो लिख दें एक लाइन में पोजीशन वेक्टर में, इसमें आप बता दिएगा इट गिव्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट गिव्स द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक है। बाकी डिटेल मैंने कहा शीट में पढ़ लेना, जो आपको क्या बताएंगे, ये बताता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, और साथ में बताता है उसका डायरेक्शन कैसे बताता है, मैं भी आगे दिखाता हूँ। बहुत कॉमन सी ऐसी चीज है जो आपको ऑलरेडी मालूम ही है, जैसे मैं अगर दिखाऊं इसको तो देखें एक साइड में क्या आपको नजर आ रहा है, जैसे ये आपका कोई भी सिस्टम है एक्स वाई, अब पॉइंट पी कहाँ है, पॉइंट पी दिखाने दो तरीके हैं, या तो आप दिखाते हैं या पॉइंट है टू थ्री पर टू और बोले थ्री, और या पर ध्यान देखें इसके लिए मैं पोजीशन वेक्टर बना सकता हूँ, ये बना दिया मैंने पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या बता रहा है, इतना डिस्टेंस है और पॉइंट इस डायरेक्शन में, जो भी आप कहते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री पे, पोजीशन वेक्टर अपने आप समझ में आ गया होगा। ऐसे आप देखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आता है, अगर आपके कहीं दो पॉइंट्स हों तो उनके बीच का जो स्ट्रेट लाइन होगी, कोई आदमी यहाँ खड़ा था यहाँ चला गया तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हो, ये तो पढ़ चुके हो ना लास्ट चैप्टर में, दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन, बस P से Q गए हो गए तो इधर एरो बनाना, और Q से P आए हो तो अब ये तो तुम्हें मालूम ही है, तो ये क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। इसने कहा ये ऐसी डेफिनेशन है जो ऑलरेडी आपको मालूम है, कई बार पेपर में एक आध नंबर में फिल इन द ब्लैंक टाइप पूछ ली आती है, तो आज पूछता है ये कहाँ से थी, मैंने भैया कॉमन सेंस से थी, इनका कोई वो पर्टिकुलर थोड़ी था। एक नेक्स्ट डाल दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आप बताइएगा इट गिव्स द चेंज इन पोजीशन, इट गिव्स द चेंज इन पोजीशन, गिव्स द चेंज इन पोजीशन एंड द डायरेक्शन, चेंज इन पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, याद करें क्या क्या डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यही थी, चेंज इन पोजीशन यही बता रहा है, यहां से यहां तक गए हो कौन से डायरेक्शन में गए हो। और एक चले आए ऐसी आपको मिलेगा एक डेफिनेशन इक्वल वेक्टर्स, अच्छा मुझे बताओ अंदाज लगाओ इक्वल वेक्टर कहने कहोगे, दो वेक्टर इक्वल कब माने जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो और वैल्यू भी सेम हो, क्योंकि आपने डेफिनेशन में लिखा था वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी पहली बात तो अगर दो लोग चले तो बराबर चले कब माने आएंगे, जब दोनों 5 किलोमीटर चले हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो, और एक मजेदार बात दोनों नॉर्थ गए हो, अगर एक 5 नॉर्थ जा रहा है दूसरा साउथ जा रहा है तो इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, एक अलग जा रहा है दूसरा, इक्वल हम कब मानेंगे जब दोनों चीजें सेम हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, इक्वल वैक्टर समझ में आ जाते हैं। देख नेक्स्ट डालो इक्वल वैक्टर्स, इसमें डैश मार्क लिखिएगा वेक्टर्स हैविंग इक्वल वेक्टर्स, इसमें डैश मार्क आप लिख देंगे वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शन, बहुत मामूली डेफिनेशन है जिनको आप सिर्फ एक बार पढ़ना है, वो भी मैंने कहा काय के लिए, मनोरंजन के लिए, सिंपल बता दूं, ठीक है ना।
अब एक अगला जाते हैं बहुत छोटा सा, पहले यहाँ एक काम और करने इक्वल लिख दिए। अब अगर डायग्राम में दिखाओगे तो डायग्राम क्या दिखेगा, ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर हैं दोनों इक्वल दिखेंगे। कैसे इक्वल दिख रहे हैं, पहली बात तो लेंथ बराबर है, और एक मजेदार बात, सबसे खास बात क्या तुम्हें नजर आ रही है, समझ आ गया? अगर बना पाओ तो बराबर की दो लाइनें बना दो, इसमें शर्त रहेगी बना पाओ तो, छोटे वाले मत बना देना, नहीं तो बोले ये मेरे हिसाब से इक्वल है, ठीक है ना? तो सिर्फ कॉमन सेंस लगाइएगा, अपने आप सब मिलते आएंगे, कहीं कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। एक डेफिनेशन आती है अगली पैरेलल वेक्टर्स, तो एक अगली लिख दो पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा पैरेलल किसे कहोगे, पैरेलल लाइन पड़ी है ना, सेम डायरेक्शन। अच्छा पैरेलल में जरूरी नहीं है कि वैल्यू बराबर हो, इसलिए पैरेलल तुम बड़े आराम से बना सकते हो, पैरेलल में ये रहे, क्योंकि ये तो छोटे बड़े हो सकते हैं, बड़े मजे बना दो, हो गए पैरेलल, बना दो पैरेलल वेक्टर में एक छोटा सा डायरेक्ट भाई डायग्राम दो लाइन का, भाई सीधी सा बन जाएगा। बन गया, और उसके बगल में लिख देना बोथ हैव सेम डायरेक्शन, जैसे तो फिगर से ही दिख गया होगा, पैरेलल वेक्टर में छोटा सा डायग्राम बना के आपके क्या लिख देंगे, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, मिल गया। अब एक नेक्स्ट डेफिनेशन में आए नेगेटिव वेक्टर्स, अगली डेफिनेशन आप कौन सी लेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव याद आ जाएगा, पिछले चैप्टर में हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे, एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, नेगेटिव याने याद है, इधर जा रहे होगे तो पॉजिटिव, और अपोजिट आ रहे होगे उल्टा आ रहे होगे तो आप उसे लेते थे नेगेटिव, याद आता है हाँ या ना? तो ये केवल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ सही नहीं है, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी, यानी जितने वेक्टर्स हैं उन सबके साथ यही रूल है। तो इसलिए चाहे कोई सा भी वेक्टर हो, नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, दिख रहा है अगर ये इधर जा रहा है तो दूसरा कहाँ जाएगा, क्या एक कहानी समझ में आती है ना? एक छोटा सा फिगर नेगेटिव वेक्टर का बना दो, बराबर का बनाना, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम होगी लेकिन सही कह रहे हैं तो लिख दें सेम मैग्नीट्यूड बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। कोई समस्या? ये जो आपने कहा आप रफ नोट्स बना रहे हैं, ये क्विक रिवीजन के लिए, क्विक समझने के लिए पर्याप्त है। आप कोई कहेगा एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो मैंने कहा वो पूरा सेंटेंस लिखना, द नेगेटिव वेक्टर ऑफ इज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग द जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका ध्यान जाएगा केवल इंग्लिश ग्रामर उसमें ऐड की गई और कुछ नहीं। सेंटेंसेस अपन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या होते हैं, वर्ब, ठीक है वर्ब, तो ये आपने ऐड कर दिए होंगे, बाकी मीनिंग इसका वही है जो आप लिखे बैठे हैं। मेन कौन सा मीनिंग, कि आपका सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो, बस ये याद रखने वाली चीज थी, तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी। अब आप एक नेक्स्ट जाएंगे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल याने याद है, एंटी पैरेलल माने होते हैं अपोजिट, एंटी पैरेलल का मतलब होगा, चलो बना देता हूँ, एंटी पैरेलल मतलब एक ये होगा और दूसरा ये हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, पैरेलल नहीं है ये, कैसे है, लिख गया एंटी पैरेलल, हाँ ना बताओ, बना दो ऐसे ही एक फिगर छोटा सा। क्या आप बताएंगे टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, एंटी पैरेलल में जरा सा वो बना के आप बता देंगे टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और यही सेंटेंस आप मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें मुझे कुछ खास पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक। अब एक और आता है कोलिनियर, मुझे बताएं कोलिनियर वर्ड कहीं सुना है, ज्योमेट्री में सुना होगा, बताएं
कोलिनियर कहलाते थे, जो एक ही लाइन पर हो और एक ही लाइन पर हो। इसका मतलब ध्यान देखना, अगर कोई दो वेक्टर, दो फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हो, नहीं देखे जैसे तीन बना दिए, छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ ज्योमेट्रिकल पुराने वर्ड याद आए, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब जो क्या कहेगा, आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन, जो सेम लाइन या पैरेलल लाइन एक्ट कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। लिख दो कोलिनियर वेक्टर्स में, द वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन, द वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन और along the same line or along parallel lines, ठीक। अब एक बहुत मान बात आती है, क्या आपने ध्यान दिया है, एलजेब्रा में होता है एक जीरो, एलजेब्रा में पहले होता है कोलिनियर लिख दिया, हाँ ना होता है एक्ट along the same or parallel lines, एलजेब्रा में एक जीरो होता है। जीरो का मीनिंग क्या होता है, नो वैल्यू, सही कह रहे हैं, जो नहीं है वो जीरो वैल्यू है। यही चीज आप देखेंगे जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं। सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है? कहाँ पढ़ी होगी? अच्छा, 11th में, ये पहला चैप्टर तो और बढ़िया है। फिर तो मैं वैसे बताता हूँ, एम्प्टी सेट पढ़ा होगा। एम्प्टी सेट या नल सेट का मतलब क्या है, खाली मतलब क्या, मतलब हैविंग नो मेंबर। सेट का मतलब होता है, सेट मतलब भैया तो बायोलॉजी वाला सेट का मतलब समझता है, नहीं कपड़ों का सेट होता है, कप का सेट होता है। और अगर हम कह रहे हैं नल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो। ऐसे आपका ध्यान जाएगा ज्योमेट्री में, आप लाइन होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, तो आपके पास एक पॉइंट भी होता होगा और पॉइंट की डेफिनेशन ही है लाइन हैविंग द जीरो डायमेंशन। एक ऐसी लाइन जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना बेचारी में ऊंचाई हो, उसी को आप क्या कहेंगे। इसलिए आप ध्यान देखना, अपने पास हर जगह जीरो का कंसेप्ट दिख रहा होगा, अपने पास भी एक वेक्टर कैसा माना जाएगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्यों मानना पड़ेगा, मैं याद दिला देता हूँ, अभी आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, मैं याद दिला देता हूँ, पिछले उसमें कर रहे थे, कोई आदमी शहर ए से बी गया, फिर भैया बी से वापस आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप बताएंगे अगर मान चलो यहाँ रह जाता तो वेक्टर 50, यहाँ जाता तो वेक्टर 40, वेक्टर 30, वेक्टर 10, तो कहीं ना कहीं एक वेक्टर जीरो भी तो होगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जिसकी वैल्यू कितनी हो, जीरो हो जाए, उसको आप क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जो आप कह रहे थे नल सेट, ये नल वर्ड भी सुना होगा, नल का मतलब जीरो होता है। तो एक नेक्स्ट डाल दीजिएगा, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर में क्या होगा, लिख दे अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मतलब अनिश्चित, कुछ तो भी हो सकती है। क्या आपने लिया वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज अ जीरो वेक्टर। क्या डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल जो दिया हुआ है, ये भी एक बढ़िया एग्जांपल दिया है आपको, क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी, वेक्टर लिखा हुआ है इसमें, कर देना वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी। अब बताओ कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अपने आप आ जाओगे 0 किलोमीटर पर आवर। यानी ये क्या है, ये है जीरो वेक्टर का कंसेप्ट, है पर नहीं है। जैसे आप कह रहे थे एम्प्टी सेट, सेट तो है पर होते हुए भी है नहीं। क्या है, क्लियर है, हाँ है ना बताएं, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन आपके पास आएगी और ये आती है आपकी यूनिट वेक्टर, इसको मैं समझाता हूं। तो एक सिंबल हेडिंग डाल दें, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ये होता है कि आपको ध्यान है अभी हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़ा हुआ था, और जब आप मेजरमेंट पढ़ रहे थे उस समय हम बात करते थे यूनिट्स की,
और यूनिट्स में मैंने आपसे कहा था फॉर एग्जाम्पल मान चले इस कमरे की लेंथ अगर 5 मीटर है तो ये आप बोल रहे होते हो 5 मीटर। हकीकत ये कि इस कमरे की लेंथ कितनी है, इस कमरे की लेंथ है 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। ये मैंने लैंग्वेज में लिखा है, मैथमेटिक्स में लिखोगे तो ये कितना है, एक मीटर को आप 5 बार कह रहे हैं तो यही तो यूनिट कहलाती है। अगर किसी चीज का वेट मान के चले 10 किलो है तो 10 किलोग्राम वेट का मतलब समझ में आता है, 10 किलोग्राम वेट नहीं होता है, इसका मतलब ये है 10 टाइम्स ऑफ जो आपने यूनिट मानी थी 1 किलोग्राम उसका 10 गुना है। बिल्कुल सिंपल, क्या याद आया था, यूनिट्स में हमने डिस्कस किया था, ऐसे आओ समझ में आ रहा होगा यूनिट वेक्टर। कोई आदमी गया है 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब समझ में आ रहा है, यही कहानी 5 मीटर कर लेता हूँ, आदमी कहाँ गया 5 मीटर नॉर्थ, यानी वो गया है 5 मीटर। ये आपका यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी हो 1, फिर चाहे लेंथ वाइज हो, चाहे मीटर पर सेकंड में हो, चाहे फोर्स में न्यूटन हो, इसको हम किस नाम से जानते हैं। दूसरी बात बताऊंगा, कभी भी जो आप वेक्टर को लेते हैं यूनिट वेक्टर को, तो ये आपको अंदाजा है वेक्टर लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको आप पढ़ते हैं वेक्टर 5। ये जब वेलोसिटी पढ़ा रहे थे तब भी आया था। अब बताता हूँ, अगर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में चाहिए हो तो यूनिट वेक्टर हमेशा ध्यान रखना इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कैप। 5 कैप का मतलब ये है ये वेक्टर 1 है, किस डायरेक्शन में, 5 के डायरेक्शन में, जो भी तुम्हारा 5 था उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, इसीलिए आपका ध्यान जाएगा। जैसे मान चले जो लिखा हुआ था 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ का मतलब मैं बताता हूँ ये था, मैं लिख देता हूँ 5 मीटर नॉर्थ, ये आपको दिख रहा होगा वेक्टर 5 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 5 टाइम्स × 1 मीटर नॉर्थ, और ये जो 1 मीटर नॉर्थ है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी हम कह सकते हैं ध्यान देखना वेक्टर 5 इज इक्वल्स टू होगा 5 × 5 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। क्या है, मेरी बात समझ में आती है, इसलिए कभी आप कैप की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी, वेक्टर 5/5, वेक्टर 5/5 में ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड कैंसिल होंगे, डायरेक्शन बनी रहेगी, इसलिए ये है यूनिट वेक्टर। इसलिए आप जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो भी आप सही कहता है, क्या कहता है, इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ये कैसा वेक्टर है, यूनिट मैग्नीट्यूड का है, और कहाँ है, ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जो एक होगा यानी 1 होगा, लेकिन यूनिट वेक्टर में इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप दिखा दीजिएगा जो यहां पर लिखी है प्रॉपर, हम कहते हैं ऑनलाइन वालों नजर नहीं आ रही हो तो मैं उसको दोबारा लिख देता हूं एक सेकंड में। ये जो लिखा है, ये लिखा हुआ है आपके लिए ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन ए, मतलब समझ आ रहा है, वेक्टर ए को जो भी यहाँ 5 में दिखा रहा हूँ, वेक्टर ए को ए से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ए कैप, यानी कि यूनिट, और पढ़े थे इसे क्या है, वही ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। ये क्लियर हो जाएगा, नोटेशन समझ जाएंगे आगे जाके, कैप से हम हमेशा किसको डिनोट करेंगे, यूनिट वेक्टर को, और जो आप यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब यहां से कुछ काम की चीजें आएंगी, ये वो चीज है जिसको हम पूरे वेक्टर अलजेब्रा में इस्तेमाल करेंगे और पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे, ये कहलाते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये पहले बताऊं,
ऑर्थोगोनल वर्ड को आप देखेंगे तो क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये बताने से पहले तुम्हें याद आएगा मैं पिछली बार भी पूछता था जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था 1D 2D 3D, मैंने आपसे पूछा था आपके जीवन में आसपास कितनी डायरेक्शन होती हैं, तो तीन डायरेक्शन होती हैं, कौन कौन सी, एक्स, एक वाई और तीसरी जेड, चौथी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। इसका मतलब कोई भी चीज चलेगी या तो एक्स एक्सिस पर जाएगी या वाई पर जाएगी या जेड पर जाएगी। तो ध्यान देखना, जैसे मैंने कहा था आप लंबाई नाप रहे हैं तो मीटर में ही नापेंगे, तो इसलिए यूनिट फिक्स हो गई 1 मीटर। आपको ध्यान है आप चलेंगे या तो एक्स पर चलेंगे या वाई पर चलेंगे या जेड पर ही चलेंगे, चौथा होगा ही नहीं। तो इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर होंगे 1 मीटर अलोंग एक्स या 1 मीटर अलोंग वाई या 1 मीटर अलोंग जेड, इनको हम चाहे तो एक फिक्स नोटेशन दे सकते हैं क्योंकि हर बार यही लेने हैं। जैसे वजन नापना है, जो अभी हम बात कर रहे हैं आपने क्या यूनिट मान ली 1 किलोग्राम, तो भैया बार बार नापनी है तो एक फिक्स कर दी 1 किलोग्राम, खत्म। अब जब नापेंगे इसी में नापेंगे। तो जब तुम्हारे पास चलने के लिए तीन ही डायरेक्शन है तो आप इनके लिए जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, हर बार अलग अलग नहीं लेंगे, इनके फिक्स नाम है। और जो फिक्स नाम है पहले वो नाम बता देता हूँ। यहाँ पर जो आप वैक्टर लेते हैं, अगर एक्स एक्सिस पर आपका यूनिट वैक्टर लिया जाएगा तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस के आप यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, ऐसे आप वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको आप हमेशा कहते हुए जाते हैं जे कैप, और ऐसे जेड एक्सिस का आप तो अंदाजा गया होगा इसके यूनिट वेक्टर को हम क्या कहेंगे के कैप। इस आई कैप का मतलब होगा 1 मीटर या 1 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 1 अलोंग द वाई एंड 1 अलोंग द जेड। क्या है मेरी बात समझ में आती है? और इसीलिए कहेगा क्या कह रहा है बहुत ध्यान देखें, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये तीन। और क्या होता है इसमें खास बात, These vectors must form a right-handed triad. Right-handed triad माने तो मालूम है ना? ये x, y, z coordinate axis कहलाती है। It is a coordinate system such that when we curl the fingers of right hand from x to y, जब भी हम x से y की तरफ finger को घुमाएंगे, तो हमारा direction क्या होगा? Along the axis. और ये आपको याद आएगा, ये आप कहाँ पढ़ते थे मालूम है? टेंथ में इलेक्ट्रिसिटी में जहां पढ़ते थे मैक्सवेल्स राइट हैंडेड थंब रूल या सकरियू रूल, वो फ्लेमिंग वाला था, सही कह रहे हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू रूल था, घुमाओगे तो थंब उस डायरेक्शन में घूमता है करंट के परपेंडिकुलर, वही लगभग लगभग बताया जाता है और कुछ नहीं। अब इसका मतलब याद देखना, जब आप आई कैप की बात करेंगे तो आई कैप किस डायरेक्शन में, आपने ध्यान दिया है आई कैप था एक्स के डायरेक्शन में, और जो हम बात कर रहे थे एक्स के डायरेक्शन में, तो इसको अलग से दिखा देता हूँ, ध्यान देखें आई कैप क्या होगा, वेक्टर एक्स अपॉन यानी एक्स डायरेक्शन में 1, एक्स एक्स खत्म, 1 ही तो बचेगा, तो ये क्या कह रहा है एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा 1, उसको हमने नाम दे दिया है। ऐसे आप जे कैप जाओगे, अब जे कैप का आइडिया लग गया, जे कैप क्या है 1 अलोंग दी वाई, तो ये क्या होगा, ये होगा वेक्टर वाई अपॉन वाई, अरे वाई कैंसिल हो जाएंगे 1 बचेगा, तो 1 जो बचेगा उसको हमने क्या नाम दिया होगा जे कैप, क्या है समझ में आते हैं। तो एक सिंबल एडिंग डाल दिएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, नेक्स्ट आप जाएंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, इसमें डैश मार्क लिख दीजिएगा आई कैप, पहले एक हेडिंग डाल दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, उसमें लिख देंगे आप आई कैप, जे कैप एंड के कैप, क्या लिख देंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, क्या ये क्लियर है? नीचे बता दीजिएगा आई कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर एक्स अपॉन एक्स, ऐसे जे कैप आप क्या बताएंगे वेक्टर वाई अपॉन वाई, नहीं आया समझ में, के कैप बता पाओगे?
कि नहीं बता पाओगे? जेड अपॉन जेड जो बता रहा है वन एलोंग दी जेड, ठीक। अब ऐसे आपके आते हैं पोलर वेक्टर्स, छोटी सी ये तो लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप। नेक्स्ट आप एक जाएंगे आपको मिलेगा पोलर वेक्टर्स। अब क्वेश्चन आता है पोलर वेक्टर्स क्या होंगे? पोलर ध्यान देखना, पोल का मतलब समझ में आता है, पोल कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ध्यान जा रहा होगा जो ओ होता है ओ को अपन जो है ऑरिजिन भी कहते हैं और कई बार ये पोल भी कहलाता है। क्या तुमने ध्यान दिया है? कुछ आपके वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसका कहीं ना कहीं कोई एक स्टार्टिंग या डेस्टिनेशन पॉइंट जरूर होगा। जैसे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ध्यान देखो, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है जो कहीं से स्टार्ट होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी है। अच्छा ऐसी फोर्स, फोर्स क्या हवा में लगाओगे? फोर्स आप जब भी लगाएंगे ध्यान जाएगा कोई एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूर होगा। इसका आप ध्यान देखना, ये ऐसे वेक्टर हैं जो किसी ना किसी पॉइंट के साथ जुड़े हुए ही मिलेंगे, बिना पॉइंट के हवा में नहीं हो सकते। ऐसे वेक्टर्स को आप किस नाम से जानते हैं? पोलर वेक्टर। और ये आपसे क्या कहता है इसे डेफिनेशन के तौर पर थोड़ा ऊपर कर देता हूं, दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इनके पास कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा ही होगा, बिना उसके कहीं नहीं होंगे। तो दिखा दें पोलर वेक्टर्स, दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, क्या इतना मिल गया? हाँ ना बताएं, बढ़िया। जब आपको इतना मिल जाता है तो लगभग लगभग डेफिनेशन मैंने कहा आपकी एंड पर ही है। और एक बात छोटी मोटी दिन देख लेता हूँ, एक आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कहाँ से डेवलप होते हैं? ये बहुत सिंपल सी बात है, आपका ध्यान जाएगा जैसे रोटेट करें। जैसे मैं आपसे बात अभी कर रहा था मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल, क्या आपने ध्यान दिया? जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पहले सिंपल फिगर दिखाता हूँ फिर थ्री डायमेंशन में जाऊंगा। अगर एक सिंपल फिगर की बात करूं, मान के चले इस बोर्ड पे एक पेंच लगा है। अब आप इस पेंच को घुमाएं, कैसा घुमाते हैं? मान चलता हूं ऐसा घुमाएं, बताएं पेंच किधर जाएगा? अंदर है। आराम से सोच के देखो, सोच आराम, कोई कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया, इसको कस के देख ले, जब ऐसी दिक्कत आए बोतल उठाए। सही कहा ना, ये ध्यान रखिएगा 99.99% स्क्रू चूंकि राइट हैंडेड स्क्रू होते हैं इसलिए वो सब आप देखेंगे ऐसे घुमाने पे टाइट होते आएंगे। और अगर आप खोलना चाहेंगे तो आप हमेशा देखना आपको घुमाना पड़ेगा उल्टा, उल्टे को अपन कहते हैं। चलो इसको अभी अपन लिख देते हैं, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा अंदर या नीचे, जो भी आप कह सकते हैं। और उल्टा भी दिखा देता हूँ, इसी पेंच को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आएगा बाहर। लेकिन एक मजेदार बात देखो, तुम्हें एक बात समझ में आएगी, जो तुम्हारा घूमने वाला प्लेन है, आप घूम रहे हैं यहाँ पर और ये आपका फोर्स कहाँ चल रहा है ध्यान दिया? एक्सिस पर चल रहा है, यही एक्सिस कहलाती है ना। हाँ, डायरेक्शन के बेसिस पे बाहर हो सकता है ये अंदर हो सकता है। और अब आपको याद आएगा यही होती थी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लास्ट ईयर, करंट और मैग्नेटिक फील्ड यही पढ़ी थी ना। अगर करंट आपकी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर होगी। ऐसे आने तुम्हारा ध्यान जाएगा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अब मैं बात करता हूँ पेज के रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सिस पर था। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा घुमा रहे हो तो एक्सिस इनवर्ड हो और ऐसा घुमा रहे हो तो एक्सिस, तो तुम्हें समझ जाएगा ये जो वेक्टर है ये वेक्टर कैसा कहलाएगा?
एक्सियल वेक्टर, क्यों? द डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ ए स्क्रू या एक्सिस ऑफ ए कर्व, वो आप चाहे जैसा कहना चाहे। भाई मैग्नेटिक फील्ड को तुम कर्व कह दोगे बेहतर लैंग्वेज में, कर्व के अकॉर्डिंग होगी। क्या अब आपको समझ में आता है? इसलिए आप देखें ध्यान से, ये आपका दिखाया गया एक्सियल वेक्टर, अब भी नहीं दिखा, इसने कहा था पहले अपन समझ लें, अगर आप ऐसा घुमा रहे होंगे कैसा घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और घुमा के देख लें मन में, नहीं हो सामने बॉटल रखी है घुमाए, आपको देखेगा ढक्कन कहाँ निकलने लगेगा, ऊपर, और ऊपर निकल रहा है तो ढक्कन कहाँ जा रहा है, ध्यान देखें अलोंग द एक्सिस। तो ये वेक्टर कैसा है? ये वेक्टर है एक्सियल वेक्टर, ये तो उसका उल्टा फिगर बना है, तो ऐसे क्लियर हो गया होगा। ऐसा कर दोगे तो नीचे आएगा, अब तुम्हें समझ में आएगा, दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। ये सारे वेक्टर कौन से होते हैं? जो रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, और क्या होगा, एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं, और कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? विद राइट हैंड स्क्रू रूल। और राइट हैंड स्क्रू रूल जो मैंने कहा, या तो आप टेंथ में पढ़ते थे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, या अभी लास्ट में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, तो हम फिर दोबारा से एक बार डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब अगर इतना हो ध्यान हो तो मुझे बताएं क्या है, रफली समझ में आता है? हाँ है ना। एक काम कर दें, एक्सियल वेक्टर्स में लिख दीजिएगा दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, पूरे लिख दो मुझे जो तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्या आप लिख देंगे? दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट्स एंड एक्सियल वेक्टर्स, दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट्स एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड आर ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल, इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल, एग्जाम्पल जो आपके इलेवेंथ के हैं वो है वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इनकी हम चर्चा करेंगे आगे, तो मैं दिखाऊंगा ये कैसे आपके आते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले फिगर के बजाय राइट हैंड वाला बना दे, साफ दिख रहा होगा ज्यादा बेहतर। ठीक है ना, एक फिगर बना दो, कौन सा बना दोगे? इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं ब्लैक पेन से, किसी को देखने में दिक्कत जा रही हो, ये फिगर कैसा बना है ये बता रहा है। मैं याद दिला देता हूँ, ये टेंथ वाला फिगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती थी ऐसी, है ना, और ये हो जाता है आपका स्क्रू रूल वाला मामला। यहां पर आप दिखा देंगे, ये आपका लिखा हुआ है एक्सियल वेक्टर, और ठीक है, बाकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिख ही रही होगी। और ये मच्छर क्या कर रहा है? हाँ, बोर्ड्स की प्रॉब्लम है, अगर इसमें मक्खी बैठ जाए ना अपने आप चलने लगता है। कारण समझ आ रहा है, बस टच सेंस में उन्हें क्या पता मक्खी बैठी है कि आदमी की उंगली है। लिख दिया, और ये डायग्राम बना देना, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो ध्यान ही है, क्लॉकवाइज में आपका स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे आगे अगले साल जाओगे तो जो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ इलेवेंथ वाले एंगुलर वेलोसिटी, अगले साल एग्जांपल दूंगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आ रहा है? बाकी तुम्हें इसलिए जल्दी समझ में आएंगे, तुम टेंथ से पास होके आए हो तो हल्का हल्का
याद होगा ऐसा फिगर हम बना चुके हैं। ये तो आपके हो गए, मैंने कहा कौन सा एग्जाम्पल, सिंपली आपके लिए एक्सियल वेक्टर। अब एक आते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर आपके ना कहते हैं नाम पे चले आओ जिनका प्लेन एक ही हो, एक ही प्लेन पर है तो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। तो एक सिंबल हेडिंग डाल देना कोप्लेनर वेक्टर्स, ये ना इसमें आप बताएंगे टू वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन, बस इतने में आपका चल काम चल जाएगा, टू वेक्टर्स ऑन सेम प्लेन। अब ऐसे आप एक नेक्स्ट दिखा देंगे, अगला आप दिखाएंगे को इनिशियल वैक्टर्स, को इनिशियल जरा ध्यान देखो तुम्हें वर्ड से ही समझ में आ जाएगा अगर मीनिंग समझ में आ रही हो, को इनिशियल का मतलब समझ में आता है, को माने तो याद है साथ साथ होता है, इनिशियल ऐसे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, फॉर एग्जाम्पल ये तीनों देख रहे होंगे कैसे वेक्टर्स हैं, ये को इनिशियल है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट है, वही लिखा मिलेगा, व्हेन द वेक्टर्स अंडर कंसीडरेशन कैन शेयर द सेम सपोर्ट और हैव ए कॉमन सपोर्ट, तो फिर वो आपके क्या कहलाते हैं, को इनिशियल, को लीनियर लिखा है, इसको आप कर देंगे को इनिशियल। क्या है समझ में आता है, हाँ ना। तो एक सिंपल सी लाइन की डेफिनेशन लिख दो, इसमें आप लिखिएगा व्हेन द वेक्टर्स शेयर द सेम सपोर्ट, को इनिशियल में आप डैश मार्क लिख देंगे व्हेन द वेक्टर्स शेयर सेम सपोर्ट या कॉमन सपोर्ट, चाहे जो लिख दो एक ही बात है, सेम सपोर्ट और कॉमन सपोर्ट चाहे जो आप लिख सकते हैं। तो यहां तक की जो मैंने कहा कहानियां है ये आपके, मैंने ये भी बता देता हूँ ये आपके कोई बहुत विशेष काम में नहीं आनी, यहां तक की जो कहानियां है ये आपको केवल कितनी हेल्प करेंगी कि आपके पेपर में अगर कोई एक आध नंबर का छोटी मोटी डेफिनेशन पूछ ले, एक आध कोई फिल इन द ब्लैंक या ऑब्जेक्टिव पूछ ले, तो उसको आप डेफिनेशन के तौर पर बता सकते हैं, दैट्स ऑल। मैंने आपसे कहा था हम कहाँ पर हैं, हमें मेनली पढ़ना है वेक्टर एलजेब्रा और फिजिक्स में आपको ये एलजेब्रा बहुत ज़्यादा लगेगा लगातार अगले चैप्टर से, क्योंकि हम वेलोसिटीज फोर्स टॉर्क ये सब आपको मालूम है, कैसी क्वांटिटीज कहती हुए आए सबको कह रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी हो पाएगा जब आपको ये मालूम होगा। आज मैं पहली एक सिंपल चीज बताता हूँ, सवाल आता है दो वेक्टर्स का एडिशन अब आप कैसे करेंगे, अब मैं एलजेब्रा स्टार्ट करता हूँ। तो एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, एक हेडिंग आप डालेंगे एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। पहले मैं इसको वहां से समझने का प्रयास करता हूं जहां आप जो आपने पढ़ा हुआ है, मैं इसको नए सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाने वाला, जरा ध्यान देखें क्या आपको ऐसा ध्यान आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज पूछी थी, मैंने कहा था कोई आदमी अपने घर से मान चले 3 किलोमीटर गया, फिर सपोज करें 4 किलोमीटर गया, तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप किसे मानेंगे, एक आदमी का, मैंने कहा एक बार ये गया एक बार ये गया, तो इस आदमी का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां मानोगे, सही इशारा कर रहे हैं यही मानेंगे ना, यानी चलो मैं मान चलता हूं आप इसका रिजल्टेंट मानेंगे, ये आपको मालूम है, एक मजेदार बात है, ठीक है। अब जो आपको मालूम है मैं इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलता हूं और आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपसे कहता है इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स, अगर आपके कोई भी दो वेक्टर जो भी 3, 4, 5, 6 जो भी रहे हो, इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यही किया था ना आपने, अगर दो वेक्टर्स आप कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर उनका रिजल्टेंट एक्सप्रेस होता है बाई द थर्ड क्लोजिंग साइड, क्या ये बात सही है, मैंने कहा वही बात है जो आप बता रहे हो, तो मैंने तो नहीं बताई, तो आप ही बता रहे हो, मैं देखो लैंग्वेज दे रहा हूँ बाई थर्ड क्लोजिंग साइड। और एक और महान बात ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगी
इनका ऑर्डर ये था और ये कहता है बाय द थर्ड क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट ऑर्डर, क्या आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आता है? इसलिए लगा जो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए कह रहे थे, चूंकि जो जैसे डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होगा वैसे ही वेलोसिटी का, वैसे ही फोर्स का, वैसे ही टॉर्क का, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का, वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि सबके सब वैक्टर हैं तो वैक्टर्स के रूल तो एक ही फॉलो करोगे ना। किसी ने कहा 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के दो फोर्स हैं आपस में, अभी परपेंडिकुलर लग रहे थे, 60 डिग्री पे लग रहे हैं, रिजल्टेंट बताओ, मैं क्या करूँगा, मैं बता दूंगा ये 10 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री के एंगल पे, मान चलो कुछ भी 12 न्यूटन का फोर्स, रिजल्टेंट कितना होगा, तो फिर वहीं जाओगे इफ एनी टू गिवन फोर्सेस, शब्द बदल जाएंगे, आर टेकन बाई टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, आपने इनको कहाँ पे लिया है, दो कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल पे लिया है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी एक्सप्रेस बाय द थर्ड क्लोजिंग साइड, और सबसे खास बात टेकन इन हाँ ना, इसने कहा था वहां से शुरू करेंगे जो आपको आता है, और इसीलिए आपसे कहता है देखें ध्यान से क्या कह रहा है, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा लॉ ये कह रहा है अंधाधुंध मत बना देना। उसने कहा आदमी नॉर्थ गया फिर ईस्ट गया, तो बोले मैं नहीं मानता, मैं तो पहले साउथ भेज के बाद में वेस्ट भेजूंगा। क्या कह रहा है, इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर आपने उनको साइड्स ऑफ द ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर क्या कह रहा है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड, रिजल्टेंट आपका क्लोजिंग साइड से आएगा और कहाँ आएगा, वो भी बताएगा ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना, तो एक काम करें पहले हेडिंग आपने क्या डाली थी मुझे बताए, परिणाम ठीक है ना। अब एक काम करें नंबर फर्स्ट डालिएगा ट्राइंगल लॉ, फर्स्ट आप डाल देंगे ट्राइंगल लॉ, और जब तुम ट्राइंगल लॉ डाल ही रहे हो एक काम करते हैं, लाओ फिगर बना दो साइड में, मैं दिखा भी देता हूं कौन सा फिगर बनाओगे, वाला बना दो जैसे यही समझा रहा था, चिंता मत करना कोई कहेगा ये कौन सा फिगर है, कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं, इससे तुम्हें समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, एक को आप दिखा देंगे वेक्टर बी, एक को आप दिखा दीजिएगा वेक्टर ए, और इसको आप दिखा देंगे ऐसा टेढ़ा लिख दो मजा आएगा, क्या दिखा दोगे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आ जाता है समझ में, दो साइड्स है, तो तीसरी वाली क्लोजिंग साइड जो उनका रिजल्टेंट है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अब आपके जो लैंग्वेज सामने लिखी है समझ में आ जाती है, हाँ ना बताएं, लिख दें इसी को मैं बोलता जाता हूँ फुर्ती से लिख दें, पहले तो देखें डायग्राम बना दिया क्या सभी ने, डायग्राम बना दिया लिख दीजिएगा इफ टू नॉन जीरो वैक्टर्स, लिख दें आराम से इफ टू नॉन जीरो वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in same order by the two sides of a triangle taken in same order,
वो लैंग्वेज ही वही है, उसमें कुछ ज्यादा हेरफेर नहीं है. देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाई सेम ऑर्डर. देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाई द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाई द क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर. By the closing side of triangle in opposite order. क्या क्लियर हो जाता है? हाँ ना. अब एक सवाल नीचे बता देंगे, that is vector r is equals to कितना होना चाहिए? Vector a plus vector b. और ये याद रखिएगा, जब vector a और vector b कहें तो ये notation बनाइएगा, वैसे मत लिख देना vector a. हाँ हो जाता है कई बार. इसलिए क्या कहा, vector r is equals to vector a प्लस वेक्टर भी, वैसे यहां भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या ये क्लियर हो गया? अब दो छोटी छोटी बातें और आ बताता हूं, बाद में मैं इनको प्रूव करूंगा. और ये दो छोटी छोटी बातें आगे आती हैं कि आखिरकार ये जो आपका आया हुआ है साइड, ये तो समझ में आ गया भैया, इससे रिप्रेजेंट करोगे. लेकिन तुमने एक मेन सवाल नहीं पूछा, साइड होगी कितनी, तो साइड कितनी होगी ये भी बता देते हैं. ध्यान से इधर देखें, अगर हम मान के चले ये जो आपका एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच का, ये एंगल हम मान लें थीटा. और कौन सा एंगल मान लेता हूं, इस एंगल को आप मान लें थीटा. अपने फिगर में थोड़ा सा एक्सटेंड करें, इसको थीटा दिखा दें. एक एक चीज समझाएंगे एक एक करके, ठीक है ना. थीटा समझ में आ रहा है क्या है? थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल. दिखने लगा इधर जा रहे थे इधर मुड़ गए. अब रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है किसी का, तो रिजल्टेंट हम मान लेंगे रिजल्टेंट किस एंगल पे जा रहा है, तो रिजल्टेंट का मान लेना अल्फा. दोनों मान लो एंगल थीटा और अल्फा, दोनों समझ में आ गए क्या? हाँ ना बताएं. चलिए बी को हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो. अब तो साफ दिख रहे होंगे थीटा कहाँ है अल्फा कहाँ है. थीटा इसका एंगल है, अल्फा रिजल्टेंट का है. अब एक सवाल बनता है, पहला सवाल तो बनेगा ये जो रिजल्टेंट आपका आर बराबर ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद करेंगे. नीचे आप बताइएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. नीचे लिख दे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपको मिलेगा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. और इस फॉर्मूले का अब आप अगले दो साल तक आप जबरदस्त इस्तेमाल करने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूं. ठीक. और एक छोटी सी बात आएगी, अगली चीज ये आएगी कि जो आपका वैल्यू थी किस एंगल पे होगा, किस डायरेक्शन में, तो नीचे आएगा. नीचे आप बताएंगे डायरेक्शन. नीचे आप बता दीजिएगा डायरेक्शन. डायरेक्शन में आप लिख दीजिएगा इफ रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा. इफ रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, और लिख दो जो मैं बोल रहा हूं. इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, उसकी जरूरत पड़ेगी कि फिजिक्स है, कई बार बहुत बारीक सी चीज में आंसर गलत करोगे. क्या आपने दिया विद वेक्टर ए, आगे बताइएगा. देन टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, देन टेन अल्फा और फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है सामने, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. टेन अल्फा इज इक्वल्स टू आपका कितना आएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. बाकी हमने कहा अभी आगे जाके हम इस फॉर्मूले को प्रूव भी करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं. अब आप ध्यान देखना, हमने लिखा है जो आपका रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से अल्फा बनाता है, मतलब समझ में आ रहा है. अगर कभी किसी क्वेश्चन में दिया हो हमारा रिजल्टेंट है दो वेक्टर मान लो 6 और 7, वो कह रहा है 6 न्यूटन से 30 डिग्री बनाता है, इसका मतलब ये है कि जो आपका 6 न्यूटन है उसको आप मानेंगे ए. आगे आप समझ में, जब भी ये सवाल आएगा इसको ए माने या उसको बी माने, तो ये मत देख के मान लेना पहले कौन सा दिया है, तुम किस बेसिस पे मानोगे, जो तुमने लिखा है कि एंगल किससे दिया है. अगर एंगल आपको
वेक्टर 6 से दिया है तो 6 ए है, और अगर कह रहा है 7 से बना रहा है तो ए की वैल्यू 7 है, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कहा कई बार आप आगे जाके गलती कर सकते हैं। जो ट्राइंगल लॉ है ध्यान देखना, सेम ऐसे ही एक लॉ और चलते हैं आगे, और अब की बार आपको मिलता है पैरेललोग्राम लॉ। तो एक नेक्स्ट आप बताइएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट आप बताएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और सिंपल लिख सकते हो पैरेललोग्राम लॉ। जब पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हो तो ध्यान से इधर देखो, अब तो नजर आएगा मैं एक ही लॉ को दो तरीके से पढ़ा रहा हूं, और एक ही लॉ को दो तरीके से कैसे पढ़ा रहा हूं, मेरे पास दो वेक्टर थे, एक ये था और एक ये था, कोई सा भी एक ए मान लो वो बी मान लेंगे, ठीक है, दोनों को मुझे क्या करना था, ऐड करना था। अब मेरे पास जो एडिशन का पहला तरीका था जो आप पढ़ चुके, वो क्या था, मैंने कहा था इनको कंसेक्यूटिव बनाइए। कंसेक्यूटिव मतलब समझ में आता है क्या, कंसेक्यूटिव माने हिंदी में क्या कहेंगे, लगातार, लगातार बनाइए, लगातार बनाएंगे तो याद देखना ये आया था दूसरा ये आया था। तो मैंने आपसे कहा था अगर दो वेक्टर्स ट्राइंगल की कंसेक्यूटिव साइड्स दिखा रहे हो तो इनका रिजल्टेंट कहा जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट जाएगा ये वाली लाइन, और सबसे खास बात अपोजिट ऑर्डर, यानी ये हो गया आपका वेक्टर आर, ठीक है। अब दूसरी बात देखें जरा, अब मैं एक और तरीके से नहीं का एडिशन, सेम ज्योमेट्री है, एक ही चीज को कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं आपसे कहता हूं इन दोनों को एक साथ मत बनाओ, इनको अलग अलग बनाओ, एक ये बना दो और एक ये बना दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से अब भी वही दोनों है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अब ध्यान देखना आप ट्राइंगल नहीं बनेगा ये, तो कोई बात नहीं ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो मैं कहूंगा इनकी हेल्प से आप एक पैरेललोग्राम बना ले। पैरेललोग्राम बनाने तो आते हैं ना, और फिर आपसे कहूंगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल आपको रिजल्टेंट दे देगा। अब जरा देखें क्या दोनों का रिजल्टेंट एक ही आ रहा है, हाँ या ना बताएं, बिल्कुल एक ही आ रहा है, ध्यान देखें क्यों, क्योंकि ये साइड ये रही, और तो मालूम है ये साइड ये रही, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने साइड बराबर होती है ना, तो ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, पर है तो वही ना, इसलिए जो रिजल्टेंट ये आया है वही रिजल्टेंट ये भी आएगा। बस अंतर इतना है, केवल बनाने का अंतर है, एक के बाद एक बनाओगे कंसेक्यूटिव मैनर में, या मैंने कहा दोनों को अलग अलग बनाओगे, तो इसलिए लॉ की लैंग्वेज केवल चेंज हो जाएगी। उसमें कहा था थर्ड क्लोजिंग साइड, इसमें आपसे कहा जाएगा डायगोनल, और एक कभी कभार कंफ्यूजन होगा कौन सा डायगोनल, क्योंकि डायगोनल तो दो होते हैं, तुम कहोगे ये भी डायगोनल है, एक आध आदमी कहेगा सर ये भी तो डायगोनल है, मैं तो ये वाला मान लूंगा, तो इसलिए आपको लॉ गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा, ये कहेगा रिजल्टेंट इज एक्सप्रेस बाय द डायगोनल, कौन सा डायगोनल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला कौन सा है, हरा वाला या नीला वाला, हरा वाला ग्रीन, इसका मतलब आपको कौन सा डायगोनल लेना है, ये मेरी बात समझ में आती है, पहले इसको देख लें आराम से, यही आपका फिगर है बड़े मजे से कहाँ गया, ठीक। तो एक छोटा सा काम करें, पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लिख दिया था तुमने, हाँ या ना, पहले लैंग्वेज लिख दो फिर फिगर बना देते हैं। इसमें आप लिख देगा इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, पहले लैंग्वेज लिख दो, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स
ऑफ ए पैरेललोग्राम बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय then the resultant is given by और resultant आपको किससे दिया जाता है, resultant आप बताएंगे, resultant is given by the diagonal of the parallelogram। यही था diagonal of parallelogram जब पास हो रहे थे, लेकिन मैंने कहा था फिर एक डाउट था कौन सा डायगनल, उसको भी क्लियर कर देते हैं। इज गिवन बाय द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम, फिर क्या कहेगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप सही हैं बिल्कुल, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, जो दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इसका फिगर हम जाए यहां बनाने के, फिर से एक बार बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप जाएंगे चलो इसमें बना देते हैं, छोड़ो। जैसे आप फिगर पे जाओगे, फिगर आपका कैसा बनेगा आप ध्यान देखना, दो वेक्टर्स आपको लेने हैं, एक हम मान चलेंगे ये आपका वैक्टर ए, इसी ने बड़ा और साफ बना दिया ताकि आपको देखे। अब क्या करना है, अब लगातार नहीं लेने हैं, अब कैसे लेने हैं, एडजेसेंट साइड्स पर लेने हैं, तो दूसरा हम कहां लेंगे, दूसरा आप यहां लेंगे, ये हो गए वेक्टर ए और वेक्टर बी, थोड़ा नीचे कर लूं साफ दिखे, ठीक है ना। अब अगला काम जो मैंने कहा था, अब ये ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, तो इनका हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से हम बनाएंगे पैरेललोग्राम, और ये मैंने खींच दी दोनों साइड्स, और ध्यान से मुझे सुनते आना, मैं एक बार और समझा दूंगा। यही लिखा है, दो वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब लास्ट चीज, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय, रिजल्टेंट कहां से आएगा, तो बाय द डायगनल, और फिर कौन सा डायगनल, ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला, ये वाला मतलब समझ में आ रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इनका जो आपका आएगा रिजल्टेंट वो ये हो गया। ये अपने लिए हो गया आर इज इक्वल्स टू ए और प्लस बी, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मान लीजिएगा थीटा, और फिर इस बार भी रिजल्टेंट का एंगल हम कितना मान लेंगे, अल्फा, तो आपको थीटा और अल्फा बिल्कुल साफ साफ नजर आएंगे। ठीक है, इनको मुझे लग रहा है यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास बैटरी बची है टोटल मिला के 4% पूरे, है ना। चलो फुर्ती से एक काम करो, दो फॉर्मूले लिख लो, नहीं बीच में ही रह जाओगे। क्या आपने डायग्राम बना दिया सभी ने, ऑनलाइन विद्यमान छात्रों? यस सर। बस तुम्हारी क्लास एक आध मिनट में हम एंड नहीं करेंगे, अपने आप यस सर बना लिया। ठीक है, ये जैसे आप बना देते हैं मजेदार बात है, फॉर्मूले फिर वही है, क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया, ये अल्टीमेट ट्राइंगल लॉ ही तो है, इधर वाली साइड इधर ले आओ तो वही का वही ट्राइंगल लॉ है, इसलिए आपके दोनों फॉर्मूले रिपीट हैं। कौन से फॉर्मूले रिपीट, मैं लिख देता हूं, सबसे पहली चीज आपका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मालूम है रिजल्टेंट की वैल्यू, और ध्यान देखना सिंबॉलिक इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मॉड वेक्टर आर का मतलब समझ आ रहा है, मॉड का मतलब होता है वैल्यू, तो मॉड वेक्टर आर का मतलब है वेक्टर आर की न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, ये कितना होगा, जो भी आपने लिखा था देख लो पीछे, आपने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसको हम आप अगले टर्न प्रूव कर पाएंगे क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, और अगले टर्न में इसको प्रूव करके फिर इसके तमाम सारे क्वेश्चंस और करेंगे।
अभी तो एक काम करो फुर्ती से लिख दो इससे पहले कि कहानी बंद हो जाए। और डायरेक्शन भी तो ध्यान है, वही फॉर्मूला फिर आएगा, कौन सा टेन अल्फा कितना होना चाहिए ध्यान देखना, ये होना चाहिए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और एक चीज फिर से ध्यान देखना, जब इतना लिख लो तब जो देखने लायक चीज है, पिछली बार आपने लिखा था अल्फा वेक्टर ए से बन रहा है लिखा था, अभी ध्यान देखो अल्फा कौन से वेक्टर से बन रहा है, देखो समझ आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा जिससे अल्फा बने उसको आप वेक्टर ए मानेंगे यानी पहला, दूसरे को तो दूसरे ही मानोगे, दूसरे को तीसरा थोड़ी मान लोगे। ये क्लियरेंस हो जाते हैं। अब इसके बेसिस पे मैंने कहा अगले टर्न में हम इसका प्रूव और तमाम सारे सवाल यानी एक्चुअल वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। अगले टर्न में आपको इसकी शीट भी दे देंगे और संभवतः आज मैं इसको शायद उस पर आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत हमें यहाँ तक तो फुर्ती से तुम्हारे काम दे जाए, अटेंडेंस मार्क कर दी जाए, कौन कौन बैठे हैं ले दूँ। ये है आस्था, अविरल, मोहित और प्रथम। बढ़िया, आस्था, अविरल, मोहित और प्रथम है ना। चलो अभी अपराजित शर्मा मौजूद है, आकांक्षा मौजूद है, अंश कुमार है नहीं और अंशिका